तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। अब देखिए उसमें क्या है कि भास्कर और पिल्लई नाम के दो पार्टनर हैं, जो रेशियो है उनका 3:2, और उन्होंने डिसाइड किया है कि कनिका को बिजनेस में लाया जाए, और उसे डील हुई है कि भाई आपको प्रॉफिट का 1/4 मिलेगा। कनिका जो है वो कह रही है कि ठीक है, हम जो गुडविल लोगे कैपिटल के अलावा वो हम कैश में दे देंगे, और हमको उसके लिए गुडविल वैल्यू करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर मल्टीप्लाई 2, एवरेज जो है उसको लो 3 साल का और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये थीम है। अब आइए प्रॉफिट का स्टेटमेंट देखते हैं कि भाई प्रॉफिट क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो 2019 में हम देख रहे हैं कि 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें कि एक सेल ऑफ एसेट है 5,000 का, उसका भी प्रॉफिट है। तो अगर ये 5,000 का प्रॉफिट जो है ये अबनॉर्मल प्रॉफिट है, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये अगर हम माइनस कर देते हैं तो 50,000 माइनस 5,000 यानी वो प्रॉफिट हो जाएगा 45,000 का, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया है। फिर 2020 की बात करें तो 2020 में क्या हो रहा है, 20,000 का लॉस हुआ है। ये 20,000 का लॉस भाई क्यों हो गया, क्योंकि आग लगने से एक नुकसान हो गया आपका 30,000 का। तो अगर ये आग नहीं लगता, अगर ये आग नहीं लगता तब तो आपका प्रॉफिट कितना होता, आप आराम से चैन से सोचिए, सोच करके बोलिए। आप बोलिएगा कि सर 10,000 का प्रॉफिट होता, अगर ये आग नहीं लगता तो 10,000 का प्रॉफिट होता, तो वहां हमने ले लिया 10,000। फिर अगर 2021 की बात करें तो वहां पर प्रॉफिट हमको दिखा रहा है 70,000 का, और ये 70,000 का प्रॉफिट कब हुआ है, जबकि आपको एक इंश्योरेंस क्लेम मिला है 18,000 का, और आपने कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा था उस पर आपको डिविडेंड मिला है 8,000। तो बेसिकली ये दोनों जो चीज़ है, ये 18,000 और ये 8,000, ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर का इनकम हो गया। ये आपको डेली डेली नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम आपको रोज नहीं मिलता है, और ये आपका बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपके लिए। तो 70,000 में से ये 18 भी माइनस कर दीजिए और ये 8 भी माइनस कर दीजिए, तो ये 18 और 8 अगर आप माइनस करेंगे तो 26,000 हो जाता है। तो 70,000 में से अगर आप 26,000 माइनस कर रहे हो तो वो आ रहा है 44,000। अब इस तीनों को ऐड कर लो, इस तीनों को अगर आप ऐड कर लोगे तो 99 आ जाता है एवरेज ऑफ 3। इसका एवरेज लोगे तो 3 से डिवाइड करोगे तो 33, और उस 33 का अगर आप 2 ईयर परचेज लोगे तो 33 × 2 66,000, जो कि आपका गुडविल का वैल्यू है। क्लियर? और कनिका जो है उसने डील कर लिया कि भाई हम तो 1/4 देंगे आपको, तो 66,000 का 1/4 वो कितना लेकर के आएगी, 16,500, और ये 16,500 जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा। अब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, वो हम आपको अगले वीडियोस में समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।